प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी युगल पिया के चरणों में शत शत नमन। ऊपर चरों के माहौल की जल पर बनी जो आए, इन छह बच्चे की सिफत मुक्ति कहीं ना जाए, मुक्ति कहीं ना जाए। ऊपर चरों के माहौल की जल पर बनी जो आए, तो रंग महल के बाहरी हार के मंदिर और झरोखे छज्जे इन खड़ोकली के जल में सुशोभित होते हुए और इन जल के दर्शन रंग महल की दूसरी भूमि में होते हुए, तो तीन दिशाओं से वनों की शीतल छाया जल चबूतरे तक आती हुई पूर्व पश्चिम और उत्तर की ओर से और दक्षिण की ओर से ऊपरा ऊपर श्री रंग महल के छज्जे झरोखे उनकी छाया इन वन में पड़ती हुई, इन चैबच्चे में सॉरी पड़ती हुई, जो अपना खड़ोकली का विशाल चैबच्चा है, उन जल में उन छज्जों की भूम दर भूम जो द्वार आए हैं, झरोखे आए हैं, उनकी छलकार पड़ती हुई, तो ये झरोखे खड़ोकली के जल के ऊपरा ऊपर दृष्टिगोचर होते हुए, तो इन शोभा का वर्णन एक मुख से होना संभव नहीं है। खड़ोकली के जल के पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा में वनों की शीतल छाया जल चबूतरे तक आई है और दक्षिण दिशा में श्री रंग महल की भूम दर भूम सुंदर नूरी शोभा दिखाई देती हुई। तो खड़ोकली की इन शोभा को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं आप शिवराज जी श्यामा जी की मेहर से, और बहुत सरलता से इन शोभा को आज समझते हैं। पहले दो दिन हम गहराई से गिनती से कर चुके हैं, तो सबसे पहले हम वहां पर खड़ोकली में पहुंचते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि अपने को मालूम चले कि खड़ोकली में कैसे जाना है। तो इन धाम की 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके हम यहाँ से परिक्रमा करते हुए जो अपना वायव कोने का चैबच्चा आया है वहां तक आ जाए, या तो या हम इधर से दाएं हाथ की ओर घूम जाए और इन ईशान कोने के चैबच्चे पर आ जाए, तो दोनों तरफ से अपने को खड़ोकली की ओर जाने का सुंदर मार्ग मिल जाएगा। हम पीछे से आते हैं तो उन समय की शोभा जब वायव कोने के चैबच्चे से चलते हैं, हम श्री रंग महल के भूम पर ऊंचे चबूतरे पर है, धाम रोस पर है। ये शोभा दिल में रखिए कि हम भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर परिक्रमा करते हुए अपने पश्चिम उत्तर कोने यानी वायव कोने पर पहुंचे और यहाँ से पूर्व की ओर यानी ईशान कोण की ओर मुख करके हम चल रहे हैं। तो हमारे दाएं हाथ को लाल चबूतरे, आगे वनों की शोभा, सॉरी दाएं हाथ को हम पूर्व की ओर चल रहे हैं, मुख हमारा पूर्व की ओर है, तो हमारे दाएं हाथ को हो जाएंगे रंग महल के मंदिर और हमारे बाएं हाथ की ओर लाल चबूतरे की शोभा, वो 30 मंदिर तक दूर तक विशाल शोभा, आगे वनों की शोभा। लाल चबूतरे की हद को पार किया, बहुत एक आसान गिनती के हिसाब से लाल चबूतरे की हद को पार करते हैं, आगे 40 मंदिर पार करेंगे, उसके बाद जो 30 मंदिर है उसके सन्मुख अपने को ये खड़ोकली की शोभा दिखाई देगी। तो लाल चबूतरा पार किया, मोटे रूप में हम 40 मंदिर पार करके आ गए, आगे हमें जो 30 मंदिर मिल रहे हैं उन 30 मंदिर के स्थान पर 30 मंदिर की लंबी चौड़ी खड़ोकली। और इसी तरह से जब हम ईशान कोने से आते हैं तो लाल चबूतरे के आगे हमें मालूम है 1200 मंदिर के बाद 300 मंदिर की हद है, तो वहां से हमने पहले 190 मंदिर पार किए, 40 मंदिर और पार करेंगे तो आगे जो 30 मंदिर का स्थान है वो हमारी खड़ोकली का स्थान है। तो सबसे पहले हम खड़ोकली की शोभा देखते हैं कि ये खड़ोकली 30 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है। सबसे पहले हम शोभा ये ले लेंगे, खड़ोकली 30 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है। इस शोभा को यहां से देखते हैं, खड़ोकली का मूलतः स्थान यहाँ पर ये हुआ, खड़ोकली 30 मंदिर की लंबी चौड़ी, पूरी 30 मंदिर की लंबी चौड़ी, और ये देखिए इसके दोनों तरफ पूर्व पश्चिम एक एक मंदिर की रोस आई,
तो पूरब से पश्चिम जब हम गिनते हैं तो 32 मंदिर का कुल स्थान हो जाता है, और उत्तर तरफ एक ही परिक्रमा रोसाई है, तो रंग महल से उत्तर की तरफ हम देखते हैं तो 31 मंदिर का स्थान हो जाता है। लेकिन मूलतः जो खड़ोकली है अपनी एक खास वर्ग की आई है, तो यहाँ पर ये जो अपने भोंबर की ऊंचे चबूतरे, खड़ोकली की जो कोट दीवार होती है, इसके भीती तरफ एक हार मंदिरों की आती है, उन हार तक खड़ोकली की मूलतः हद है। यहाँ तक तो हम ये दिल में ले में शोभा की खड़ोकली 30 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है, 30 मंदिर की लंबी चौड़ी, और ये धाम रोज से एक रूप मिलान की हुई। अब यहाँ पर मंदिरों की हार आ गई, यहाँ पर भी 30 मंदिर, यहाँ पर भी 30 मंदिर, 30 मंदिर की लंबी चौड़ी, हर दिशा में अपने को 30-30 मंदिर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक शोभा और हुई, जैसे रंग महल को घेर के परिक्रमा रोस आई है, तो इसके भी तीन तरफ परिक्रमा रोस आ गई, जिससे थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमने शोभा देखी कि खड़ोकली की सुंदर शोभा। जब रंग महल से दीवार निकलती है इस तरह से कोट दीवार, यहां तक हम लेवे तो 30 मंदिर का लंबा चौड़ा एक घेरा होता है, तो इस कोट दीवार के भीतर खड़ोकली के जल की शोभा आनी है। तो भीतर की ओर हमने देखा हर दिशा में 30-30 मंदिर, ये देखिए हर दिशा में 30-30 मंदिर, और ये अपनी 28 मंदिर की दक्षिण की दीवार। तो ये अपनी खड़ोकली 30 मंदिर की लंबी चौड़ी शोभायमान होती हुई, और इसको घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा रोस, और इन परिक्रमा रोस ने देखिए बिल्कुल रंग महल की परिक्रमा रोस से मिलान किया है। तो मान लीजिए कि हम रंग महल में परिक्रमा कर रहे हैं, और यहाँ पर लाल चबूतरे के आगे से आ रहे हैं, भोंबर ऊंचे चबूतरे पर है, तो यहाँ से हम खड़ोकली को घेर कर आई परिक्रमा में आसानी से आ सकते हैं। एक रास्ता है, ये शोभा को यहाँ से देखिए, ये देखिए ये धाम रोस और ये खड़ोकली की परिक्रमा रोस बिल्कुल एकल मिलान होता हुआ, क्योंकि खड़ोकली का जो भोंबर ऊंचा चबूतरा पहले उठा, ये रंग महल के भोंबर ऊंचे के चबूतरे के बिल्कुल बराबर है। खड़ोकली की जो कोट दीवार उठती है भोंबर ऊंची, रंग महल के भोंबर ऊंचे चबूतरे के बिल्कुल समान शोभा लिए। तो हम धाम रोस पे है, हम सीधा परिक्रमा रोस पर आ सकते हैं। तो इस तरह से खड़ोकली की हमने शोभा देखी, 30 मंदिर की लंबी चौड़ी, जिसमें 28 मंदिर में तो लंबाई चौड़ाई में जल आ जाएगा, और घेर कर मंदिरों की जो छत है वो इसकी जल रोस हो जाएगी। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं यहाँ से। मान लीजिए हम यहाँ पर ताड़वन की जमीन पर है, तो अपने को तीनों दिशाओं में चांदों से सीढ़ियां मिल रही है। ये देखिए हम ताड़वन की जमीन पर है, और एक शोभा हम देखते हैं वलसाड सुंदर साथ के नक्शों के द्वारा भी। ये देखिए ये वलसाड सुंदर साथ ने नक्शा बनाया था इसका, देखिए ये भोंबर ऊंचाई, ये अपनी धाम रोस हो गई, और ये धाम रोस से बिल्कुल एकल मिलान करती अपनी खड़ोकली की परिक्रमा रोस। तो हम सबसे पहले ये देखिए यहाँ से खड़कली को घेर कर ये देखिए वनों की शोभा, ये वन इधर की तरफ भी आए हैं, दो तरफ वन दिखाई दे रहे हैं अपने को ताड़वन। तो इन ताड़वन की जमीन से तीनों दिशाओं से चांदों से सीढ़ियां चढ़ी है, मतलब तो एक लंबा चौड़ा चबूतरा, उसके दोनों तरफ से सीढ़ियां जब चढ़ती हैं तो इसको चांदों से सीढ़ियां चढ़ना कहते हैं। तो यहाँ हम ताड़वन की जमीन से भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर, श्री रंग महल की ऊंचाई है उसी भाव से सुंदर नूरी सीढ़ियां चढ़कर हम इन चबूतरे पर आए, और यहाँ से हम सीधा परिक्रमा रोस पर आ गए। अब घेर कर देखेंगे खड़ोकली के तीन तरफ तो परिक्रमा रोस की सुंदर शोभा आई है, और इन परिक्रमा रोस की भीती तरफ मंदिरों की शोभा, हर दिशा में 30-30 मंदिर। अब यहाँ खड़े हैं इन मंदिर की शोभा देखें, तो अपने को मंदिर की बाहरी दीवार में एक बड़ी मेहराब, मेहराब की नोक पे लाल मानिक के फूल, उसमें तीन मेहराबे और उनके अंदर भी तीन तीन मेहराबे, और सभी मेहराबों की नोक पर लाल मानिक के फूल, छह जाली द्वार आ गए, दो दरवाजे, और ठीक मध्य तीन सीढ़ी ऊंचा जरोखा,
जिससे रंग महल के बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार की शोभा। वहां प्रथम भूमिका में 22 हाथ ऊंचा झरोखा आया है। यहाँ पे 3 हाथ ऊंचे झरोखे का वर्णन है। अब हम इस एक मंदिर के भीतर जाएंगे तो दाएं बाएं की दीवार में देखेंगे, हमें ठीक मध्य एक एक मेहराब मिलेगी बाकी के मंदिरों में जाने के लिए। और भीतर की दीवार में अपने को दरवाजा नहीं मिलेगा क्योंकि भीतर की तरफ जल की शोभा आई है। तो इस तरह से घेर कर हर दिशा में 30 लेकिन गिनती में 88 मंदिर। तो इन मंदिरों की सुंदर शोभा, झरोखा, जैसे ये कोने का मंदिर है, इसके झरोखा इधर की तरफ भी आ जाएगा और इधर की तरफ भी। तो इस तरह से मंदिरों की सुंदर शोभा। अब किसी मंदिर के भीतर चले जाएं, हमें मंदिर की दरवाजे की जो कमाड़ है उसमें कोई अक्षी मेहराब आई है, या मंदिर के अंदर ही अपने को गोलाई में सीढ़ियां चढ़ती हुई जैसे दिल की चाहना सीढ़ियां सामने उपस्थित हो जाएंगी। परम धाम की ये विशाल मंदिर रंग महल के मंदिरों की तरह शोभायमान, 100 हाथ के लंबे चौड़े अति विशालता लिए मंदिर, सिंहासन, कुर्सियां, सिज्जा, हिंडोले, संपूर्ण शोभा। उन सीढ़ियों से चढ़कर हम इन स्थान पर आ गए तो इन मंदिरों की छत थी खड़ोकली की, जल रोश हुई। तो खड़ोकली का भोंबर ऊंचा चबूतरा और एक भोंब ऊंची ये मंदिर, तो दो भोंब ऊंचाई पर अपने को जल के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर कोर दीवाल उठी तब तक जल नजर नहीं आया, ये मंदिर उठे तब भी हमको जल नजर नहीं आ रहा था। जब हम दूसरे भूमि में आते हैं तो जल के दर्शन होते हैं। तो अभी हम कहाँ पर हैं? ये देखिए, यहाँ से हम देखें तो ये धाम रोस, ये एक भूमि ऊंचे मंदिर, इन मंदिरों की छत, यानी हम दूसरे भूमि से आएंगे तब हम इन खड़ोकली के दर्शन कर सकते हैं, अर्थात हम भूलवनी के मंदिरों से निकलकर इन खड़ोकली के दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से शोभा, और पुल की शोभा कैसे आती है वो शोभा भी देखते हैं। ये हमने 3 तरफ की शोभा का वर्णन देखा, अब पुल की शोभा देखते हैं। ये देखिए, इधर परिक्रमा रोश की शोभा हमने देखी, ये मंदिरों की छत देखी और इधर दीवार की छत देखी। तो 100 हाथ की घेर कर अभी अपनी जल रोश हो गई। यहां से 33 हाथ का छज्जा निकल आया। अब यहाँ देखिए, ये दीवाल और ये जो रंग महल के बाहरी हार मंदिर है, इन दोनों के बीच में एक मंदिर की जगह है। घेर कर जो परिक्रमा रोज धाम रोज जारी है, ये वही धाम रोज है। जब हम इन धाम रोज से रमन कर रहे होंगे, नजर ऊपर करेंगे तो हमें इस स्थान पर एकल छत मिलेगी, एक सुंदर रत्नों जड़ित छत की शोभा। और खड़ोकली के हाथ में 2 गुर्ज आए हैं जो सिर्फ खड़ोकली की शोभा के वास्ते आए हैं। इन गुर्जों के छज्जे नहीं निकलते। पहला गुर्ज खड़ोकली के बिल्कुल हद में, यहाँ 300-3100 मंदिर, 33 हाथ इधर से लिए, 33 हाथ इधर से, 66 हाथ का लंबा चौड़ा, बिल्कुल जैसे रंग महल का गुर्ज आता है वही शोभा लिए। इसी तरह से खड़ोकली की इस हद पे भी गुर्ज की शोभा, और इनमें छज्जों का वर्णन नहीं आया और ये गुर्ज एक ही भूमि के आए हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, जब हम रंग महल के मंदिरों से निकले, इन मंदिरों की इन किनार पर खड़े हैं तो देखेंगे रंग महल के इन मंदिरों से छज्जा निकला और इन दीवार से भी छज्जा निकला। गिनती में कह देते हैं कि दोनों तरफ से 50-50, लेकिन कुल मिला के दोनों तरफ से छज्जे निकले और इन्होंने एक छत कर दी। अब इन मंदिरों से हमने यहाँ पर आना है तो एक मंदिर का विशाल रास्ता हम इन पुल के ऊपर से पार कर सकते हैं। इन मंदिरों से एक सीढ़ी नीचे 50 हाथ का छज्जा निकला और इधर इस दीवार से भी 50 हाथ का छज्जा, और ये दोनों गुर्ज पुल के वास्ते। तो यहाँ पुल की लंबाई हो जाती है, ये देखिए, 30 हाथ, और 30 मंदिर और 66 हाथ। और इधर मंदिरों की शोभा देखिए, इन मंदिरों से 33 हाथ का घेर कर छज्जा निकला। तो 28 मंदिर की जल, एक एक मंदिर की ये रोश हो गई, 33-33 हाथ। तो जितनी लंबाई हमारे पुल की है उतनी ही लंबाई अपनी खड़ोकले की हो गई, आमने सामने समान शोभा। मंदिरों से दौड़ते हुए सीधा जा सकते हैं, इन छज्जे से दौड़ते हुए सीधा इन बुर्ज के ऊपर से होते हुए छज्जे पर जा सकते हैं। तो आने जाने का एक रास्ता। अब मान लीजिए कि हम
फुलवनी में है, वो फुलवनी का नक्शा निकालती हूँ। हम फुलवनी के उन नूरी मंदिरों में हैं, फुलवनी में झील कीड़ा करके उन फुलवनी की सुंदर रामतों को करके हमने अब बाहर की ओर आना है। ये देखिए हम यहाँ भुलवनी में हैं और यहाँ से रामत करके हमने बाहर की ओर आना है। तो जैसे हम इन चबूतरे पर हैं, राज श्यामा जी और सब सखियाँ इन मध्य चबूतरे पर हैं। आठ मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल चबूतरा, किनार पर थम्बू की सुंदर शोभा, हर दिशा में आठ आठ मेहराबे, कुल 32 स्तंभ, 32 मेहराबे, एक सीढ़ी ऊंचा ये चबूतरा। यहाँ पर श्रृंगार की लीला होती है और यहाँ से हमें खड़ोकली में जाना है। तो यहाँ पर एक के बाद एक द्वार खुलते चले जाएंगे, एक नूरमयी मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा, एक सुंदर द्वार बादशाही शोभा लिए सुंदर द्वार मिलता चला जाएगा। अब हम यहाँ तक पहुँच गए, हमने खड़ोकली पार कर ली। उसके बाद थम्बू की दो हारे रंगों नगों से झिलमिलाता एक एक थम्ब, कोई चार पहल का, तो जैसे महाराज जी ने वर्णन किया है, 4, 8, 16, फिर 8, 4 ऊपर मेहराब, उन मेहराब के ऊपर चित्रकारी और एकल छत। तो एक एक थंब के ऊपर सुंदर मेहराब, दो थंबों के मध्य सुंदर मेहराब, और इन मेहराब ने खड़ोकली से भी मिलान किया। तो नजर जब ऊपर की ओर करते हैं तो यहाँ पर हमें सुंदर मेहराबों की सुंदर शोभा, इन एक एक चौक की सुंदर शोभा में झीलते हुए इन चार, जैसे यहाँ त्रिपोलिया से जब निकल रहे हैं तो चार थंबों के मध्य एक सुंदर चौक अपनी अलग आभा लिए, अगले चौक में आए तो अलग सुंदर शोभा। ये थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ, ये मैं सीधे ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसको अपन मेहराब माने, जैसे इस तरह से मेहराबे सब में बनती चली जाएंगी। तो चार थंबों के बीच में एक सुंदर चौक, चारों दिशाओं में मेहराबे, चारों कोनों पे थम, छत की शोभा देखेंगे तो सुंदर नूरमयी आभा, जैसे इन सभी थम्बों में मेहराबों में अपने को भुलवनी के नजारे मिलते हुए। हमने ये त्रिपोलिया पार किया, फिर ये मंदिरों की सुंदर हार विशाल मंदिर धाम के पार किए, फिर हमने ये त्रिपोलिया पार किया, फिर ये मंदिर अर्थात घेर कर जो बाहरी हार मंदिर है हमने वो पार किए। अब ये पार करके जैसे हम बाहरी हार मंदिर की किनार पर आए, तो यहाँ पर जैसे अभी हमने खड़ोकली के इन मंदिरों की शोभा देखी थी, अपने को दो दरवाजे मिलेंगे। यहाँ दो दरवाजे दिखा भी रखे हैं, ये देखिए दो दरवाजे मिल रहे हैं और एक चरोखा। इन दरवाजों से एक सीढ़ी उतर कर हम इस पुल पर आ जाएंगे, एक मंदिर के पुल को पार करेंगे, एक मंदिर की जो दक्षिण तरफ की दीवार है उसको पार करेंगे और आगे खड़ोकली की शोभा। तो इस तरह से हमने जब दूसरी भूमि से आते हैं, दूसरी भूमि के मंदिरों से एक सीढ़ी नीचे उतरते ही आगे दो मंदिर चलेंगे और आगे खड़ोकली का जल। तो दक्षिण तरफ अपने पास रोस हो जाती है दो मंदिर की, और तीनों तरफ अपने पास रोस है 133 हाथ की। चारों तरफ, अभी इससे जस्ट पहले वाली क्लास में वीणा दी पूछ रही थी कि जल में उतरेंगे कैसे, तो चारों तरफ ये देखिए जल चबूतरे आए हैं। ये भी वही वर्णन है जैसे एक मंदिर की तो लंबाई और आधे मंदिर की चौड़ाई, और दोनों तरफ तीन तीन सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतर गई, और जल तरफ सुंदर कठेड़ा, यहाँ भी चांदों की जगह छोड़कर कठेड़ा। तो हम जब मंदिरों से आएंगे तो इन जल चबूतरे पर ये जो सीढ़ियां आई हैं, इन सीढ़ियों से तीन, जल चबूतरे पर ये जो चौक आया है इनसे तीन सीढ़ियां उतरकर जल चबूतरे में आकर छीलना करेंगे। और यहाँ पर एक शोभा का वर्णन और आता है, क्योंकि ये जल अपना तीन भूम गहरा है, एक भूम परम धाम की जमीन के नीचे, एक भूम ये चबूतरे का, एक भूम ये मंदिरों का, तो तीन भूम गहरा जल है। तो जल चबूतरे के लिए धनी ने क्या शोभा दी, इसको यहाँ से देखते हैं, लंका वाले नक्शे से यहाँ पर क्या शोभा यहाँ पर हुई कि तीन सीढ़ी नीचे इन जल की गहराई में, तीन सीढ़ी नीचे एक मंदिर का चौड़ा छज्जा घेर कर आ गया। ये जल की गहराई से तीन सीढ़ी नीचे, और यहाँ इस किनार पर जल में डूबा कठेड़ा,
और यहीं पर चारों तरफ से, ये देखिए चांदा और ये दोनों तरफ सीढ़ियां उतर गई चारों तरफ से, इस तरह से यहाँ पर जल चबूतरे की शोभा आई है। तो हम मंदिरों से निकले, एक मंदिर हमने पुल पार किया, एक मंदिर हमने दक्षिण दीवार पार की और आगे तीन सीढ़ी उतर कर जल चबूतरे में जी ना कीजिए। तो ये सुंदर शोभा यहाँ तक की हुई, आगे शोभा का वर्णन देखते हैं। अब देखेंगे हम कि चूंकि ये अपना ताड़वन की जमीन में खड़ोकली आई है, तो ये परिक्रमा रोज के साथ तीनों तरफ अपने वनों की सुंदर शोभा आई है, तीनों तरफ पिठोर में वनों की शोभा आई है और एक-एक वृक्ष चांदी के बिल्कुल सेंटर में आया। ये देखिए एक-एक वृक्ष चांदी के बिल्कुल सेंटर में। पूर्व पश्चिम जो वृक्ष आते हैं वो अन्य सभी प्रकार के वृक्ष हैं, क्योंकि खड़कली बिल्कुल सेंटर में नहीं आई। हमने देखा था ना कि लाल चबूतरे से हम 40 मंदिर चले, तो एक मंदिर का एक हंस का एक बगीचा होता है, तो 10 मंदिर दूसरे बगीचे को छोड़ के, तो 20 मंदिर प्लस 10 मंदिर, तो 2 मंदिरों के बीच में अपनी ये खड़ोकली आई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो तरफ तो भूम दर भूम जो 10 भूम तक बन गए हैं उनकी शोभा आएगी। ये शोभा हम ताड़वन में अच्छे से क्लियर करेंगे और उत्तर की तरफ ताड़वन के वृक्ष आएंगे और इन वृक्षों ने जल चबूतरे तक छाया की है। तो इस तरह से खड़ोकली की सुंदर शोभा। हाँ जी सुशीलम, क्या नाम है, बीना दी। हाँ जी बीना दी, मेरा एम ये है कि अब जब झीले में अपन नहा लेते हैं, नहाने के बाद नीचे मंदिरों में आना है, तो कैसे आएंगे? ये देखिए जितने भी वैसे तो पेड़ हैं देखो, ये तो, वैसे तो दीदी छीलने के बाद जो लीला में वर्णन आता है ना, उसमें ये हाँ वर्णन आता है कि हम मध्य जो ये चबूतरा है ना, इसमें श्रृंगार सजते हैं। लेकिन अपने को मंदिरों हाँ में जाना, अपना दिल है कि हम इन मंदिरों में जाके श्रृंगार सजे। तो जैसे हाँ हम यहाँ पर हैं, तो जैसे ही नीचे उतरने का मन होगा, यहाँ पे सीढ़ियां खुल जाएंगी और हम नीचे मंदिरों में आ जाएंगे। अच्छा, बस यही मेरे दिमाग में यही आ रहा था हाँ जी कि सीढ़ियां अपने आप बन जाती हैं और हम लोग नीचे आ जाते हैं। हाँ जी अच्छा, बस यही मेरे दिमाग में हाँ नहीं आ जी रहा था कि कैसे जाए, मैंने कहा एक बार पूछ लूँ। प्रणाम हाँ जी जी। प्रणाम जी। हाँ जी आंटी, हाँ जी सुरक्षा आंटी, हाँ जी, हाँ ये जी यहाँ प्रणाम। पर झरोखे आए हैं कि नहीं है? हाँ झरोखे आए आंटी, यहाँ पर तीन जी, यहाँ चारों तरफ सीढ़ी, से तीन 3 सीढ़ी ऊंचे झरोखे आए हैं। सीढ़ी झरोखे, तीन हाथ आप कह रहे थे ना, 3 सीढ़ी 3 हाथ एक ही बात है। एक ही बात है? अच्छा हाँ, ठीक तीन है, सीढ़ी कमर भर ऊंचा कहें, 3 सीढ़ी कहें, 3 हाथ कहें, ये मतलब ये झरोखे आए हैं, ये बात कमर भर ऊंचे झरोखे आए हैं। ठीक है, ये मैं पूछ रही थी, मैं हाँ समझ जी। गई। ठीक, हाँ जी पूनम जी, आपको क्लियर हुआ? एक बार हैंड रेज करना। पूनम जी, डॉली दी, जो भी नए सुंदर साथ हैं, पहली बार खड़ोकली कर रहे हैं। अतिथि प्रणाम जी, हो गया क्लियर? हो गया? अब समझ में आ गया ना, जैसे यहाँ धाम रोज से है तो यहाँ आना है और हाँ, अपने को छज्जे से यहाँ आ जाना है ना? वैसे होगा ना जैसे हम बड़की पल की चौकी पे जाते हैं, रोज के साथ ही मिला हुआ। हाँ, रोज के साथ मिला हुआ है। हाँ बटपीपल की चौकी में तो फिर अपने को भूम भर उतरना है पहली भूम में, यहाँ तो धाम रोज से सीधा आप खड़कली में ये आ रहे बिल्कुल हैं। मिला हुआ ये देखो, यहाँ से ही शोभा अच्छे से क्लियर होगी। ये एक बार मैंने अभी है। दिखाया था ना, यहाँ हाँ से एक बार ये देखो, ये देखो, ये अपना रंगमहल का भूंबर ऊंचा चबूतरा, उसके बिल्कुल साथ ये खड़ोकली का भूंबर ऊंचा चबूतरा उठा है। ये जी, खड़ोकली का निशान है ना? तो यहाँ हाँ से सीधा हम हाँ धाम रोज पे आ सकते हैं। ये लाल चबूतरे का निशान है ना, बिल्कुल साथ। मतलब इसको अपन एक तरह से समझने के हिसाब से कह दें कि अपने रंगमहल का ही ये पार्ट है, क्योंकि रंगमहल के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है ना? समझ आ गई। हाँ जी हाँ दीपी जी सिंह जी, सिंह सर। फॉलो हाँ प्रणाम 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 जी। जी, प्रणाम जी। हाँ, मेरा एक ही क्वेश्चन और था पहले बताओ। भी, ये जो उत्तर की तरफ
जो खड़ोखोली बनी है 31 मंदिर की, किस मंदिर? एक मिनट आवाजें आ रही है, पता नहीं, एक सेकंड, एक मिनट दीदी, मैं करती हूँ आप। हाँ जी, हाँ सिंह साहब बताइए। हाँ जी, हाँ जी, जो बेस बना था ना, जिसमें सतगुरु महाराज जी ने बताया है कि वो जो दीवार उठाते हैं दो मंदिर चौड़ी, वो 31 मंदिर तक की जाती है उत्तर की तरफ तक। तो वो क्यों जाती है ये पूछना चाह रहे? नहीं, उसमें उसके साथ फिर वो दिखाई है हमारी उसकी नहर का चबूतरा, जबकि वो 30 मंदिर के बाद होना वो आता है वैसे तो, हर 30 मंदिर बाद, और इसके 31 मंदिर की खड़ाई कर दिया इसको, जो है एक मंदिर और ले लिया आगे, मतलब क्योंकि पहला, सबसे पहला भी तो नहर का चबूतरा है। हाँ, ये नहर का चबूतरा भी, ये तो नहर का मंदिर के अंदर ही है ना, ये तो 30 मंदिर के अंदर ही है ना सारा। हाँ जी, लेकिन वैसे जो नहरों की जो लंबाई चौड़ाई होती है ना, आधी आधी नहर दोनों तरफ से गिनते हैं बगीचे में, 30 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा कहते हैं ना, तो दोनों तरफ से आधी आधी नहर लेते हैं। अब इन्होंने इधर से पूरी नहर ले ली, तो इट मीन्स पूरी 30 मंदिर की जगह ले ली। अच्छा, वैसे कह रहे हो 31 मंदिर। हाँ, बेस उठाया ना 31 मंदिर का, उसके बाद फिर नहर का चबूतरा दिखाया है, वो लंबाई का था वो। देखो ऐसे ना, अपन सब गिनतियां नहीं निकाल सकते। हाँ, बस वही अभी आगे अभी जाएंगे ना, जैसे परिक्रम उसमें भी अपन पुखराज वगैरह में गिनतियां निकल ही नहीं सकती, ठीक है ना? बाकी क्योंकि महाराज जी के नक्शे में बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पर बिल्कुल नहर लग रही है, उनकी वृत्ति में भी यही है कि ये जो किनार है ना, इस किनार के साथ ये नहर लग रही है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, बबीता जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ये जोन से अपने 110 मंदिर है, जोन से अपने दर्पण के, यहाँ से ये खड़ोकली में आते हैं, तो कितने मंदिर की जगह होगी ये? ये देखो, आपने ये पार किया। हाँ जी, पहले तो हम ये समझे कि अपनी भुलवनी आई कहाँ पर है। जो अपना पहला चौरस फिरावा आया है वहां पे भुलवनी आई है, तो उस चौरस फिरावे से पहले अपनी मंदिरों की दो हारे हैं। तो जब हम इन भुलवनी से बाहर आएंगे तो अपने को मंदिरों की दो हारे त्रिपोली सहित पार करनी है। गिनती देखते हैं तो तीन इस गली के, तीन इस त्रिपोली के और दो मंदिरों की हार, टोटल हम 8 मंदिर तो रंगमहल के पार करेंगे, आगे 2 मंदिर उस रोंस के पार करेंगे दक्षिण तरफ के, 10 मंदिर हम टोटल पार करेंगे तो हम जल के सामने होंगे। अच्छा जी, 10 मंदिर देखो ना, ये देखो ना, ये खड़ोकली, ये भुलवनी आई के स्थान पर है ये पहली हार मंदिर, दूसरी हार मंदिर, यहाँ पे हवेली का फिरावा शुरू होना था, वहां पर भुलवनी आई है। तो यहाँ से हमने देखो ये त्रिपोलिया पार किया, मंदिर की हार, त्रिपोलिया मंदिर की हार, तो टोटल 8 मंदिर हमने ये पार कर लिए। फिर 2 मंदिर की अपनी ये वाली रोंस आई है, एक मंदिर पुल और एक मंदिर की जगह दक्षिण दीवार पर, ये 2 मंदिर भी पार कर लिए, तब हम जल के सम्मुख हैं। अच्छा जी, है ना, ठीक है जी दीदी। हाँ जी, ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, शोभा क्लियर है पूरी? मीनू जी, कोई रह गया क्या बीच में, कोई शोभा का वर्णन? जल चबूतरे भी, सीढ़ियों का भी हो गया था, और हाँ जी स्वर्ण दीदी, दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, जैसे ये भुलवनी का नक्शा लगाना जरा एक मिनट। हाँ जी, भुलवनी का नक्शा लगा दीजिए जरा। हाँ, दीदी जैसे हम ये कहते हैं कि भाई हम ऐसे मंदिरों की गिनती नहीं करें, हम ये कहें कि जैसे हम भुलवनी से बाहर आए और हमने 2 थम 3 गलियों को पार किया, फिर इसके बाद एक मंदिरों की हार की, फिर 2 थम 3 गलियों को पार किया, फिर एक मंदिरों की हार की, फिर 2 मंदिर की रोंस को पार किया, तो तब हम खड़ोकली में आ गए। तो ऐसे भी कर सकते हैं ना जी? ऐसे भी कर सकते हैं आराम से। हाँ जी, तो ऐसे कर ले, ठीक है ना? हाँ जी,
उसके बाद सीधा आके झील ना करते हैं अपन। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। देखो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शांति जी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। खड़ोकली के दीदी निकली है ना, खड़ोकली वाला, खड़ोकली ही लग रही है ये देखो। हाँ जी दीदी, ये जो नहर है तो इसे इधर उत्तर में ना दिख रहा है, और इधर पूरब में नहर मुड़ी है कि नीचे अंदर यहाँ पर नहर इसलिए नहीं है, अपन जब ताड़वन करेंगे ना तो वहां पे शोभा क्लियर होगी कि खड़ोकली पूरे एक बगीचे में नहीं आई, दो मंदिर की जगह में से खड़ोकली आई है। खड़ोकली पूरे एक बगीचे में नहीं आई, इसलिए यहाँ पर अपने को नहर नजर नहीं आ रही। ढक गई है नदी नहर उधर बीच में, मुड़ी हुई नहर। हाँ मुड़ी हुई नहीं नहर, आड़ी खड़ी जो नहरें आती है ना वो नहर यहाँ पर नहीं है। नहीं है जी। हाँ, क्योंकि अभी जब अपन आगे ताड़वन करेंगे ना तो उसमें ये शोभा क्लियर होगी। एक मिनट में ताड़वन का नक्शा निकाल, ये देखो यहाँ से, ये देखो पूरा बगीचा, दूसरा बगीचा, इस दूसरे पूरे बगीचे में खड़ोकली ना आके इन दो बगीचे जैसे ये वाले यहाँ देखे इस जगह पे, ये पूरा बगीचा पार किया, ये हमने 10 मंदिर ही पार किए, तो इस जगह पे, इस जगह पे खड़ोकली की शोभा है ऐसे जी। तो इसलिए अपने को ना इधर नहर नजर आ रही है ना इधर नहर नजर आ रही है। और ये सांदे जो आए हैं पूरम में एक खड़ोकली वाला, तो भी 25 हाथ का है दीदी चौड़ाई, एक मंदिर का तो लंबाई पूरा पश्चिम, तो पूरा पश्चिम तो एक मंदिर का लंबा, आधे मंदिर का चौड़ा, इधर 12.5 हाथ की चौड़ाई है क्योंकि ये नहर की रोंस पे उतरा है। जी दीदी यही पूछना। जी दीदी ठीक है दीदी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज, मैं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हुआ ये। प्रणाम जी, ये 31 मंदिर जो कह रहे थे ना वो थोड़ा कंफ्यूजन लगा मुझे। ये हमारे वो ताल तो आ गया 28 में, एक मंदिर इस तरफ एक मंदिर वो उस तरफ वो दीवाल में, तो टोटल 30 ही हुआ ना, 31 कैसे हुआ? जो अभी क्वेश्चन किए थे ना, ये देखो 28 मंदिर का तो ताल हुआ, हाँ है ना, एक मंदिर की ये दक्षिण दीवाल हुई, एक मंदिर ये मंदिर हुए, एक मंदिर ये परिक्रमा हुई, तो 31 मंदिर ही हुए ना। तो वो एक एक मंदिर का हिसाब में थोड़ा वो है, हिसाब नहीं निकलता एक मंदिर का। लेकिन ना जैसे अपन वहां आते हैं पुखराज में भी ऐसे कह दिया जाता है 5 भूम, लेकिन 5 भूम में भी 30 भूमें बन जाती हैं। अब वो धनी की हिकमत है, उन्होंने थोड़ी उसको छोटा किया कैसे करके एडजस्ट किया, क्योंकि इसका वर्णन अपन नहीं निकाल सकते क्योंकि महाराज जी ने बोला है आपने 31 कर तो दिया। नहीं नहीं ये इनका कहने का क्या चल रहा है अभी कि 30 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा है नहरों सहित, आधी आधी नहर सहित, हमने पूरी एक नहर ले ली तो ये 30 मंदिर की बगीचे की जगह हुई ना। अभी कृष्ण जी का ये क्वेश्चन है कि एक मंदिर और कहां से आया, तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे अपन। नहीं नहीं नहीं, मेरा हाँ। तो ये था, मैं तो 30 ही निकाल रहा था वो। नहीं 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 दीदी, वो क्वेश्चन और पूछ रहे थे, आपका नया क्वेश्चन खड़ा हो गया है। आप क्या कह रहे हो? ये तो ये कह रहे थे कि ये 31 कैसे हो गई ये टोटल। हाँ, वो तो क्लियर हो गया ना, ये तो आपने निकाल ही दिया। हाँ दीपेश, एक मंदिर वाला क्लियर, एक मंदिर, ये देखो एक बार मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ। देखो एक मंदिर की जगह अपनी ये हुई, 28 मंदिर की जगह जल हुआ, एक मंदिर की जगह अपनी ये रोंस हुई, और एक मंदिर ये परिक्रमा रोंस हुई, तो टोटल 30 मंदिर होते हैं। 31 मंदिर होते हैं, 31 मंदिर। हाँ जी जी, जी ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी श्रीनिवास जी। प्रणाम बहन। प्रणाम जी। अच्छा बहन जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो हमारे खड़ोकली के अंदर ना जल में जब उतरते हैं, ये अभी आपने बोला चबूतरे से नीचे उतरना है, ये चांदा है या चबूतरा है? हाँ चांदा मतलब एक लंबा चौड़ा चबूतरा लग जाता है ना, एक मंदिर का लंबा और आधे आधे मंदिर का चौड़ा एक चबूतरा लग गया, उस चबूतरे के दोनों, इसको चबूतरा करके बोल देते हैं पहले, उसके दोनों तरफ सीढ़ियां, चांदा कह दें हम इसको, चांदा भी बोल सकते हैं, चबूतरा भी कई बार मुंह से निकल जाता है,
तो इसका वर्णन कर रही थी कि एक मंदिर का लंबा आधे मंदिर का चौड़ा चारों तरफ चांदा और चांदे के दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी है। अच्छा दूसरा एक क्वेश्चन था मेरे लिए कि जैसे अभी आपने बताया ना कि सीढ़ी किसी भी हर कम हर मंदिर के अंदर से सीढ़ियां हैं, हाँ जी, वो सीढ़ी पाखे की दीवार में है या किस कहां पर कहीं भी हो सकती है, क्योंकि अपन अगर सागर ग्रंथ से ले में पहले ही प्रकरण में तो कह रहे ना जित तित कहीं भी आपकी इच्छा है अपने को एक जगह वर्णन आता है, जो अपने दरवाजे की दीवारें होती है ना वो चौखट जो होती है उस चौखट में भी सीढ़ी मिल सकती है अपने को, इन अक्षय थंबों में मिल सकती है, और इतना विशाल मंदिर है और उस वहां हो सकता है मंदिर की एक सीढ़ी की एक जगह पे एक अंदर सुंदर शोभा दे रखी हो, तो कहीं भी सीढ़ी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से स्पेशल सीढ़ी का अलग से वर्णन नहीं आया। ठीक प्रणाम राम जी। हाँ जी सुंदर साहब जी क्लियर है शोभा बिल्कुल। सुंदर साहब जी जल कितनी लंबाई चौड़ाई में आया है, बहुत छोटा जिसमें ज्यादा गिनतियां नहीं होंगी वैसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जल कितनी लंबाई चौड़ाई में आया है। कुसुम जी आपको तो आता ही है। हाँ जी जल कितनी लंबाई चौड़ाई में आया है, और कितने वोम गहरा है, दोनों क्वेश्चन एक में ले ले वे। नया दीदी रीना ग्रोवर जी। हाँ जी रीना दीदी खोलो, रीना दीदी खोलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आप बताइए। हाँ जी 28 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में जल आया है और 3 भूम गहरा आया है। 3 भूम गहरा है। हाँ जी बहुत सुंदर। अब सुंदर साहब जी हम खड़ोकली भुलवनी में है, मैं भुलवनी का नक्शा भी लगा देती हूँ, हम भुलवनी में है इन मध्य चबूतरे पर, और इन चबूतरे से हमको यहाँ से चबूतरे से उतर कर हमको चलना है खड़ोकली में झीलने के लिए, तो वो सुंदर शोभा कि अपने को क्या क्या शोभा पार करनी है, भले शॉर्ट में बता दे कि अपने को क्या क्या शोभा पार करनी है। हाँ जी ज्योत्सनारा दीदी आप बोलो। जिग्ना आप म्यूट अनम्यूट करो यदि हो तो, आप भी सेवा करो थोड़ी ये वाली। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी जिग्ना नहीं प्रणाम जी। सो चबूतरे फिर बाहर निकले खलो भूलभुलावणी में तो खलुक में जाता है तो बे थंभो नी हार आवे तिपोलिया पछी मंदिर नी हार आवे अने पछी वरी तिपोलिया नी हार आवे पछी मंदिर नी हार आवे पछी एक मंदिर का सजा आवे पछी खलोकड़ी में जाते हैं। हाँ जी गैलेक्सी के नाम से है, अनम्यूट करो, अब पता नहीं कौन है। अच्छा प्रणाम जी प्रणाम जी। मैडम मैं नया सुंदर साथ हूँ, मुझे ज्यादा कुछ अभी पता नहीं है, मतलब मैं अभी ये सीख रहा था हैंड रेज कैसे करते हैं, तो अभी अच्छा, मैंने अच्छा अच्छा ठीक है जब क्वेश्चन होगा तो मैं बोलूंगा आपसे। कोई क्वेश्चन नहीं, ज्यादा कुछ समझ में अभी नहीं आया है, अभी धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। हाँ जी शारदा कालरा जी वो तो बता ही देंगे, शारदा जी तो बहुत अच्छे से बताते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रणाम सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। पता किरण दीदी मेरा तो अपना ये क्वेश्चन था, मैं वही कंफर्म करी थी अभी, जैसे बताया था कि बॉम्ब तीन जल जल तीन बॉम्ब जितना है नीचे। हाँ जी तीन बॉम्ब तक जल है तो दो बॉम्ब होंगे, तीन कैसे होंगे? ये देखो दीदी ये देखो, एक बॉम्ब तो ये चबूतरे के बराबर हो गया,
एक भौम ये रंगमहल के मंदिर हो गए, दो भौम तो ये गहरा हो गया, और एक भौम परम धाम की जमीन से भौम पर गहरा। शारदा जी हुआ क्लियर? हुआ शारदा जी, एक बार दोबारा समझाएंगे? हाँ, देखो एक भौम तो परम धाम की जमीन के बराबर यानी अपनी यमुना जी की गहराई, भौम पर गहराई है ना, परम धाम की जमीन से भौम पर गहरा। एक भौम हो गई अपना ये भौम पर ऊंचा चबूतरा जो कोट दीवाल उठी, फिर ये एक भौम के मंदिर, तो दो भौमे तो अपने को दिखाई दे ही रही है और एक भौम परम धाम की जमीन के नीचे। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर हो गया। हाँ जी सिंह साहब आप लेके आओ अंदर से। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। फुलवली के हम चबूतरे के ऊपर हैं सेंटर में, वहां से जो है हम चलेंगे ऊपर की तरफ खड़ोकली की तरफ निकलते हुए, जब सारे मंदिर पार कर लेंगे तो हमें दो थंबों के हार तीन गलियां आएंगी, उनको पार करेंगे फिर पहले जो है अंदर की तरफ की जो है एक छह हजार मंदिरों की हार है उसको पार करेंगे एक मंदिर के बीच में से, फिर आगे दो थंबों के हार तीन गलियां उसको पार करेंगे, फिर बाहरी हार मंदिर में से बाहर निकल के फिर दो मंदिर आगे चल के हमें खड़ोकली के दर्शन होंगे। हाँ जी दो मंदिर आगे चलेंगे और आगे ये खड़ोकली की शोभा। हाँ जी सुंदर साहब जी। अब सुंदर साहब जी हम इन भुलवनी के मंदिरों में है, भुलवनी के मंदिरों में महसूस करें तो यहाँ पर क्या शोभा है जो इसको रंग महल के मंदिरों से कुछ अलग बनाती है? मंदिर बिल्कुल बाहर से देख रहे हैं अपने को रंग महल के मंदिरों के समान, वही लंबाई चौड़ाई वही शोभा, लेकिन एक शोभा है जो ये रंग महल के मंदिरों से इसको जुदा बनाती है। इन मंदिरों में खुद को महसूस करें कि क्या शोभा इसमें ऐसी आई है जो रंग महल के मंदिरों में नहीं है, या रंग महल के मंदिरों में क्या शोभा आई है वो इसमें नहीं है। जी बहुत आसान शोभा है दीदी, ये शाह नागपल जी हैं, तो स्नेह नागपल जी। हाँ जी स्नेह जी अनम्यूट कर लीजिए। बड़े महाराज जी नजर आ रहे हैं मुझे। हाँ जी बड़े महाराज जी नजर आ रहे हैं। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दर्पण ही नूरमय दर्पण है ना, सब दर्पण ही दर्पण है जो कि बाकी मंदिरों में कहीं भी नहीं मिलेंगे। स्नेह जी मैं इन मंदिरों की बात कर रही हूँ। कौन से अपने खड़ोकली के मंदिर आए हैं तीन तरफ, हो सकता है मैंने बोलने में गलती करी हो सकता है, आपने भुलवनी के बोला है। हाँ सॉरी मैं ये खड़ोकली के पूछना चाहती हूँ, मैं मान रही हूँ कि मैंने बोलने में शायद गलती करी है। खड़ोकली के मंदिर में है तो वो शोभा भी आपने सही बताई कि भुलवनी के नूरी दर्पण के है। हाँ जी वो भी, लेकिन यहाँ पर भी अपने को क्या शोभा ऐसी नजर आ रही है? तो यहाँ पे भी वही मंदिरों की जैसे है ना, ऊपर बड़ी मेहराब है, बीच में तीन मेहराबे आती हैं, बीच में जो दो जाली द्वार हैं, दो दरवाजे हैं। हाँ दो दरवाजे, इन दरवाजों से आप भीतर आ जाओ चारों दीवार की शोभा देखो कुछ अलग नजर आ रहा है। भीतर आ जाओ चारों दीवार की शोभा देखो, दाएं बाएं पाखी की और भीतरी दीवार, कुछ अपने को डिफरेंस लग रहा है? भीतरी दीवार सुरक्षा दीदी आप बोलो। साइड पे वही गुड्स बने हुए हैं जो उसके बराबर आ रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रही थी अंदर जो है ना एक्चुअली मेहराब आई है, और यहाँ पर जो बाहर है ना ताड़बन के पेड़ है, इसमें हिंडोले लगे। अच्छा एक आंटी है ना सुरक्षा आंटी थोड़ा नजदीक पहुंच गई है, खुल के आंसर कि ये जो भीतरी दीवार है उसमें क्या शोभा आई है? हाँ जी अंजू दीदी आप इसके अंदर जो है ना अच्छी मेहराबें आई हैं, जैसे बाहर दो जाली के दीवार और तीन दरवाजे है ना, उसमें अंदर भी ऐसे ही शोभा आई है, और बाहर जो है ना ताड़बन के बड़े लंबे 10 फुट के ऊंचे हां जी आंटी पेड़ आए हैं जिसमें झूले लगे हुए हैं। हां जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोला प्रणाम जी नहीं सही बोला आंटी, सही बोला है दीदी, इन मंदिरों के जो बैक साइड वहां दरवाजे नहीं आए। हाँ जी मैं दरवाजे नहीं आए, पहुंच गई थी वहां तक, अक्षी बोल रही थी खुल के नहीं बोला वहां दरवाजे नहीं आए, सुरक्षा आंटी दरवाजे नहीं आए। हाँ जी मैं भी चाह रही थी कि दरवाजे नहीं आए और मतलब जो है मेहराबे आई है। मेहराबों का तो अपने को
सच में मेहराबों का अक्ष मिलेगा, अपन वर्णन में कह देते हैं कि भीतर तरफ दीवार नहीं है, लेकिन वो जो तीनों दीवारों के बराबर अपने को वहां पे चित्रामन मिलेगा। दिल ये कहता है कि सुंदर एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन मेहराबे, लेकिन यहाँ पर खुली मेहराबे नहीं होंगी, अक्षी मेहराबे होंगी, उनमें सुंदर चित्रामन होगा और अंदर से वो जल की तेज झलकार भी अपने को महसूस होगी, उस नूर की आभा भी महसूस होगी। हाँ जी सुंदर साहब जी, और ताड़वन की तीनों तरफ आंटी ने अच्छे से बताया कि सुंदर शोभा आई है, और ये जो अपने चांदों की शोभा आई है, ये चांदे कहाँ से उठे हैं? ये जमीन से उठे। हाँ जी जमीन से उठे हैं, ताड़वन की जमीन से। ताड़वन की। और जो खड़ोकली के विशेष पुर्जाएं हैं वो कितने भूम गए हैं और उनके छज्जे निकले? सुंदर साहब जी, जो खड़ोकली के विशेष पुर्जाएं हैं दो गुर्ज कुल की शोभा के वास्ते। हाँ जी सुदर्शन आंटी आप खोलो। राम जी, राम जी बहुत दिनों बाद दिखाई दिया आज। प्रणाम जी, ये वो एक भूम तक ही गए हैं। हाँ जी एक भूम तक गए और इनके छज्जे निकले हैं। साइड में छज्जे है ना, 33 नहीं आंटी, दीदी इसके छज्जे नहीं आए, छज्जे बाकी गुड़ियों में छज्जे निकलते हैं। 33 की जगह आई है वो, 33 की जगह तो ये हो गई ना सीधा अपने को 33 तक पहुँचा रही, इसके साथ वो मिल जाती। हाँ वो इसके साथ मिल जाती, छज्जे नहीं आए, एक भूम तक गए। ये देखो ये 33 हाथ की जगह तो सीधी मिल गई ऐसे। हाँ जी हाँ जी, छज्जे नहीं आए इसका मतलब एक भूम तक ही गए। हाँ एक होम तक ही गए। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी हाँ जी, सुनिता जी कोई क्वेश्चन आपके दिल में आ रहा हो? मीनू जी आपके दिल में कोई आ रहा हो? अच्छा मेरे हिसाब से तो शोभा क्लियर हाँ? हो गई, आसानी से शोभा देखे तो क्लियर हो रही है। कोई सुंदर सा क्वेश्चन पूछो उसके लिए रेज हैंड करो। सर जी आप क्वेश्चन पूछो हम जवाब दे देंगे। सुनिता जी क्वेश्चन पूछो, सुनीता दीदी क्वेश्चन पूछो, एक मिनट सुदर्शन आंटी, सुनीता दीदी क्वेश्चन पूछो। अरे आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछो? नहीं नहीं दीदी मतलब हम लोगों को भी तो आना चाहिए, मुझे कहाँ आता है, मुझे तो आता ही नहीं है। आप तो सिखा रहे हो, आप हम हमसे दीदी अरस परस की लीला है, कोई किसी को नहीं सिखाता, कोई किसी को नहीं सिखाता, धनी सिखाने वाली। आपकी आज्ञा शिरोधार। ये तीनों तरफ जो चांदे से द्वारा सीढ़ी आई है एक समान आए हैं उनकी शोभा? हाँ जी नहीं एक समान नहीं आए हैं, ताड़वन में जो सीढ़ियां उतरी है ना ये चांदे द्वारा, वो हमारा है एक मंदिर का तो लंबा और आधा मंदिर का चौड़ा। सुनीता जी ठीक है ना मेरी गिनती? हाँ जी, हाँ जी। और इधर की साइड उत्तर वाला ये पौने मंदिर का हो जाता है ना, 25 इधर नहीं इधर क्या होता है लंबाई तो, हाँ, साढ़े बारह लंबाई तो पूरी 100 हाथ है लेकिन चौड़ाई 12.5 हो गई। 12.5 एक डिफरेंस और है। अच्छा और ये तो हमारा दीदी ये बगीचे में उतरी है और ये नहर की रौस पर उतरे हैं ये चांदी दोनों। हाँ जी हाँ जी, पूनम दीदी आप क्वेश्चन पूछो। पंडाम जी मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ कि हम खड़ोकली में कब आते हैं? अच्छा ये तो मुझे आता नहीं, मैं तो रोज ही चली जाती हूँ। सच में नहीं आता, ये तो नहीं आता, खड़ोकली नहीं आते ये सब। सुनीता दीदी को बहुत याद है टिप्स पे। नहीं ऐसा ऐसा वर्णन नहीं है कि कब आते हैं, कोई पर्टिकुलर डे नहीं लिखा हुआ, जब मन करे तब आ जाते हैं। जब भी लीला करते हैं तो खड़ोकली में झीलना करते ही करते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वाली बात यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, नहीं यहाँ पे नहीं है। अच्छा अच्छा, अनीता दीदी आप खोलो, आप क्वेश्चन करो। मेरा भी कंफ्यूजन है दीदी, मुझे तो ना किरण दीदी से पूछना है एक क्वेश्चन। खड़ोकली के तीनों चारों ओर इनफैक्ट वो टोटल जो ताड़वन के वृक्ष आए हैं वो 32+2+2 37 आए हैं ना, जो 10 भूम के हैं। हाँ 32 तो इधर हुए है ना, 32 तो इधर हुए है ना, और इधर यहाँ पे ये दो लगेंगे। ये नहर का चबूतरा, नहर के दोनों तरफ उधर भी वो दो लगेंगे। हाँ जी हाँ जी ठीक है, 32 4 36 ही हुए ना, 33 हाँ ठीक है 37 हुए। हाँ जी
और चांदे के बीच जो आएगा वो भूमधर भूम वाला वृक्ष होगा ना, भूमधर भूम में है। हाँ, या भूमधर भूम। इधर तो ताड़वन का ही आ रहा है ना, इधर ताड़वन का है, इधर ताड़वन का आ रहा है। और जो इधर उत्तर की तरफ हिंडोला आएगा वो कहाँ पे आएगा हिंडोला, क्योंकि हिंडोला तो बीच में आता है ना उसके, वो बगीचे के अकॉर्डिंग आएगा, बगीचे का जो सेंटर है हिंडोला तो वहीं आएगा ना। अच्छा ठीक है ना, हिंडोला तो बगीचे के सेंटर में आएगा ना, तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि खड़ोकली के बिल्कुल सेंटर में हिंडोला आ रहा हो। ये पहला एक ही हिंडोला आएगा ना दीदी फिर? हाँ एक ही आएगा, फिर ये दूसरा एक ही हिंडोला आएगा, एक ही नहर पे। दीदी जो वो कल जैसे हम शाम को परिक्रमा का वो कर रहे थे जिसमें 20 हाथ में आया था। हाँ हाँ दीदी वो बताती हूँ मैं आपको। हाँ जी, हाँ जी वो करते हैं, एक मिनट नक्शा निकाल लूं। दीदी पहले और क्वेश्चन ले ले, इनका क्वेश्चन लास्ट में ले लेंगे, और भी सब। हाँ ठीक है, मेरा भी एक कंफ्यूजन है, रेत नीचे कर लो, बाकी जो रह गए हैं वो कर लेते हैं। विशाली दीदी आप बोलो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी वो मुझे एक दो फीलिंग का गैप करने थे, वो आपने मंदिर पूछे ना कि क्या फर्क है ब्रह्ममहल के मंदिर में और इसके मंदिर में खड़ो के, तो उसमें जो कोने वाले मंदिर है ना उनमें डबल जरोका है जो वो भी है, कोई भी मंदिर में नहीं मिलता। और दूसरा ये सुनीता दीदी ने पूछा कि वो चांदे का भी क्या डिफरेंस है, तो और एक डिफरेंस है कि जो पूर्व दिशा का और पश्चिम दिशा के जो चांदे है वो और 3 सीढ़ी नीचे उतरे। हाँ वो तो बात हो गई ना कि रोज पे और ये जमीन पे। हाँ जमीन पे। और क्वेश्चन भी पूछ लेती हूँ। हाँ जी हाँ जी। खड़ोकली जिस लेवल पे आई है दूसरी बॉम्ब भूलवनी के मंदिरों के बाहर, तो क्या वहाँ जरोके आए हैं? जरोके इस जगह या नीचे? हाँ. हाँ जो हाँ वहाँ जो मंदिर है, हाँ, का वर्णन आ रहा है, दोनों जगह जरोखों का वर्णन आ रहा है। वो काउंट करे थे जो थे पीछे वाले नीचे। हाँ जरोखे का वर्णन आ रहा है क्योंकि हम इन जरोखों में बैठे होंगे तो अपने सामने एक नूरी दीवाल है, मतलब एक पूरा कहते ना किसी से एक क्या कहना चाहिए यहाँ के अपन स्क्रीन जैसे, तो अपने पास ये 28 मंदिर की पूरी स्क्रीन है, उसके ऊपर कितने नजारे परम धाम के होंगे, तो वहां बैठना भी जरोखों में बहुत सुंदर सुखदाई होगा। मतलब आप पहली भूम में बोल रहे हो कि दूसरी भूम पे? ये पहली भूम में, यहाँ पे जब हम पुल के नीचे हैं तो वहां भी जरोखे हैं, ऊपर भी जरोखे हैं, ऊपर भी है ना जरोखे, वो सब 3-3 सीढ़ी ऊंचे हैं ना? हाँ 3-3 सीढ़ी ऊंचे। प्रणाम जी। राम जी मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब मेरा कंफ्यूजन है, जो हम ये खड़ोकली की जमीन लेते हैं बाग में 30 मंदिर की लेते हैं ना, तो ये हम जो चबूतरा खड़ा करते हैं वो 32 मंदिर का कैसे हो जाता? दीदी ये तो बहुत बड़ी सुंदर साथ कंफ्यूज में हो गए हैं, 32, 31 और 30। सुंदर साथ जी बस इतना याद कर लो कि अपनी 30 मंदिर की लंबी चौड़ी खड़ोकली है, ठीक है 30 मंदिर की लंबो चढ़ी खड़ो कर लिए, एक तरफ तो ये लग रही है रंगमहल के साथ, तो वहां तो परिक्रमा रोस आएगी नहीं, इधर आई परिक्रमा रोस, एक बार दीदी इधर परिक्रमा रोस आई, इधर परिक्रमा रोस आई, इधर परिक्रमा रोस आई, है ना, खड़ोकली अपनी 30 मंदिर की लंबी चौड़ी है, लेकिन यहाँ पर 2 परिक्रमा रोस आ गई तो यहाँ से 32 मंदिर हो गया, यहाँ पे 1 परिक्रमा रोस है तो यहाँ 31 मंदिर हो गई, यहाँ के 2 है। अच्छा इधर एक दीदी एक बार थोड़ा ध्यान से ये देखो, ये अपनी 30 मंदिर की लंबी चौड़ी खड़ोकली है जिसमें 28 मंदिर में जल और 1 मंदिर की ये अपनी रोस हो गई, ये एक मंदिर में ये मंदिरों का स्थान हो गया, एक मंदिर ये मोटी दीवार हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे ये परिक्रमा रोस भी है, इधर भी परिक्रमा रोस है, तो जब हम यूं गिनती करेंगे तो ये 32 मंदिर हो गए, इधर एक ही परिक्रमा रोस है तो यूं गिनती करते हैं तो 31 मंदिर हो गए, बस इस परिक्रमा रोस का खेल है, बाकी ये जो भुलवनी ये वैसे 30 मंदिर में ये 30 मंदिर की लंबी चौड़ी है और घेर के एक मंदिर की परिक्रमा है, बस ये अपन याद कर ले। ठीक है दर्शन आंटी, बस पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का फर्क है, पूर्व से हम पश्चिम देखते हैं रोस को आने की वजह से,
ये हमारे एक रोज पूर्व की गिन लो, एक पश्चिम की गिन लो, तो 32 हो जाता है ना। और उत्तर में हमारे एक ही रोज आई है, दक्षिण में तो रोज आई नहीं है, तो वो 31 हो जाता है। वो 32 का कर, 31 का तो पता लग रहा था, 32 की दीवार कैसे खड़ी हो गई, ये 32 हो गया ना, फिर अब हो गया ना, परकर्मा रोज की वजह से 32 हो गया। ठीक है, उसको टोटल काउंट कर लिया ना, इसीलिए हो गया। हाँ जी ज्योति जी, एक अभी वो बता रहे थे जब हम बुलबुली से बाहर आते हैं तो मंदिर से जब हम उतर बाहर निकलते हैं तो सीढ़ी उतरते हैं ना, एक सीढ़ी सर, क्योंकि दीदी 33 हाथ के छज्जे पर जब आते हैं तब भी एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं, तो ये छज्जे के लेवल पे है पुल। अच्छा, तो यहाँ सीढ़ी नहीं उतरेंगे, मंदिर से आएंगे, मंदिर से आएंगे तो एक सीढ़ी उतरेंगे। अभी उन्होंने बताया था ना सारा, तो सीढ़ी नहीं उतारी बताई ना। हाँ वो रह गया होगा, सीढ़ी उतरते हैं, वही पूछ रही थी, उतरते हैं। प्रणाम जी दीदी। दीदी यही बोला था कि जो हमारी पहली भूम के जो हमारे झरोखे आए हैं 22 सीढ़ियां हैं, यहाँ पे हमारा 3 सीढ़ियां आए हैं, ये भी एक डिफरेंस हो गया। और दीदी ये भी पूछना था कि डायरेक्ट हम मंदिर से गुर्ज में जा सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से फिर ये जो खड़ोकली का मंदिर है यहाँ से शुरू करेंगे तो डायरेक्ट 6000 मंदिरों में चले जाएंगे ना दीदी? ये देखो, सीढ़ी उतरना चाहना नहीं, ये देखो गुर्जों से, ये देखो मंदिरों से आ रहे हैं तो सीधा आप इस रोंस पे होके गुर्ज पे जा सकते हो, चढ़ना उतरना नहीं है। ये देखो इस मंदिर का एक दरवाजा ये धाम रोंस पे खुल रहा है, तो यहाँ से इन मंदिरों में चले जाओ, गुर्ज में चले जाओ, आपकी मर्जी है। हाँ दीदी यही पूछना था, है ना। और इधर खड़ोकली से, खड़ोकली में भी सेम लेवल है, ये इधर का भी मंदिर। हाँ ये मंदिर और ये मंदिर सेम लेवल पे है ना, गोम्बर ऊंचे चबूतरे पर ही तो है। हाँ जी 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 प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी सुबह सचिव हो गया। आज तो खड़ोकली में बहुत लीला कर ली है। हाँ जी दीदी, मैं ये पूछ रही थी जैसे हम ताड़बन के हिंडोलों में झूला झूल रहे हैं, तो वो जो हम झूला झूलती हुई सखियों के सारे प्रतिबिंब इसमें पड़ेंगे ना खड़ोकली में? हाँ जी पड़ेंगे। और जो तो ये ताड़बन के जो भोम दर भोम आ रहे हैं इनके भी वो जो कठेड़े आएंगे फूलों के पत्तियों के, वो उनकी भी सारी शोभा बीच में प्रतिबिंब, वो सब पड़ेंगे। तीन तरफ से जल की छाया और एक तरफ इनकी, जो आज पहली चपाई यही पड़ी थी आज। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर जी, राज जी पर भूलवानी और खड़ोकली में घुमा रहे, परिक्रमा ग्रंथ से इसी में घूम रहे हैं अभी भी। अब कल चले तीसरी भूम, खड़ोकली पूरी क्लियर हो गई, तीसरी भूम अपनी तो कल थोड़े से पहले 15-20 मिनट क्वेश्चन लूंगी, उसके बाद तीसरी भूम चलेंगे, बोलवानी और खड़ोकली के क्वेश्चन ले लूंगी। वैसे क्वेश्चन हो चुके हैं अपने काफी, तो है ना। हाँ जी सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। ये अभी जो झरोखों का बताया था ना वो एक बार फिर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए इसी में। झरोखे बताए थे ना, आए हैं या नहीं आए या कहाँ आए हैं? झरोखे आए हैं, यहाँ पर 3 सीढ़ी ऊंचे झरोखों का वर्णन है। नहीं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए पिक्चर के साथ, क्लियर नहीं हुआ था। अपने ये जो मंदिर आए हैं, हाँ जी, इन मंदिरों में भी एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में 3, 3 6 जालीद्वार, 2 दरवाजे और 1 झरोखा, और झरोखा 3 सीढ़ी या कमर भर ऊंचा आया है। और ये जो कोने का मंदिर है इसकी एक दीवाल इस तरफ खुल रही है, एक दीवाल उत्तर तरफ, एक दीवाल पूर्व तरफ, तो दोनों दीवालों में झरोखे आएंगे, तो एक ही मंदिर में 2 झरोखे हो गए, ऐसे इस तरफ भी शोभा आएगी। और ये जो अपने ये इधर अपनी खड़ोकली की दीवार हो गई और ये रंगमहल के मंदिर हो गए, तो ये जो मंदिर इस पुल के तले भी आ रहे हैं उनमें भी कमर भर ऊंचे झरोखों की शोभा है, यहाँ पर भी कमर भर ऊंचे झरोखों की शोभा है। ठीक है, है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। ये वो नया नक्शा दिखाऊं क्या? हो गया। हाँ दिखा दो एक सेकेंड। हाँ जी झरोखे की देखो, इसमें बिल्कुल क्लियर शोभा दिख रही है सुंदर साहब जी, ये देखो दीदी ये मंदिर दिख रहे हैं हमारे को, ये वाले मंदिर,
ये मेरा एरो दिख रहा है, ये देखो बाहर ग्रीन से कलर के झरोखे दिख रहे हैं ना, ठीक है, और एक इधर मतलब कि कॉर्नर वाले मंदिर के दो झरोखे, एक इधर भी है और एक इधर भी है, ये देखो भीतर की तरफ से भी दिखा दो। हाँ जी हाँ, ये देखो ये भी इधर भी अपने को, ये जो लाल रंग की अपनी दक्षिण दीवार है, इधर इधर मंदिरों की तरफ ऊपर से हटा रहे, हाँ हाँ मंदिरों की तरफ, ये इधर इधर रंग महल के मंदिरों की तरफ, दूसरी तरफ ये वाला, हाँ जी इधर भी देखो सुंदर सा जी, लाल रंग की तो अपनी ये दक्षिण दीवार भोंबर ऊंची और ये मंदिर, तो यहाँ इन झरोखों में बैठ के हम इस दीवार की शोभा को देख सकते हैं, ये झरोखे ग्रीन वाले, और ये हमारा गुर्ज जो आम जा रहे हैं गुर्ज, और ये रेगुलर गुर्ज जा रहा है, और ये खड़ोकली का गुर्ज, ठीक है। तो हम इन मंदिरों से जब निकलेंगे तो जैसे ये मंदिर बिल्कुल धाम रोज पे निकाल रहे हैं, एक बार थोड़ा ऊपर लेना नक्शे को, ठीक है दीदी, ये कोने वाले जो खड़ोकली के मंदिर है वहां से ये, हाँ ये खड़ो थोड़ा बड़ा करो, खड़ोकली के मंदिरों से रोज पे जाना बता दो, एक मिनट, ये खड़ोकली का जो मंदिर रोज पे लग रहा है धाम रोज पे, नीचे नीचे एक मिनट और नीचे पिंक कलर पे ले आओ ना, ये वाला, हाँ ये देखो ये सीधा धाम रोज पे खुल रहा है ये मंदिर जाके, ये देखो ये वाला, हाँ ये थोड़ा बड़ा करके दिखा दो अच्छे से क्लियर, मैं थोड़ा ऊंचा कर लूं खाली इसी को, हाँ ये देखो, हाँ जी सुंदर साहब जी, ये जो मंदिर बिल्कुल अपनी जो दक्षिण दीवार के साथ लगता हुआ आया, इससे हम धाम रोज पे सीधा जा सकते हैं, ठीक है। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, आज आपने जो स्क्रीन वाली बात की वो बहुत अच्छी लगी कि ये दीवार पे ऐसे लगेगा कि जैसे कोई स्क्रीन लगी है और हम इधर से आएंगे तो मतलब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने पास, 28 मंदिर का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अंदर खड़ोकली के सारे नजारे उसमें प्रतिबिंबित होते हुए दीदी, यहाँ यहाँ दुनिया में भी ये चीज महसूस करिए, एक बार हमने भी जब गए थे तो ऐसे रूम्स वहां पर हैं जिसमें से अंदर से जल की शोभा दिखती है, जल की शोभा, खड़ोकली के जो मंदिर आ रहे हैं उसमें भी जब अंदर जाओ तो अंदर की दीवार ट्रांसपेरेंट चाहे तो हो सकती है, हो सकती है, जैसे हमें वो जल दिखाई देगा, पिक्चर भी मैं एक ना बहुत अच्छी है, ठीक है। हाँ जी सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं पहले, मैं एक बार ओपन कर लूं सबको, हाँ जी जयकारा बुला ले पहले ना, ग्रुप बहुत बड़े बने, बहुत कई ग्रुप बने, सारे इंटेलिजेंट, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर जय।